tingles. This is second stanza of the poem. And every tinkle here refers to every raindrop. Tinkle भी एक ऐसा वर्ड है जो आपको साउंड से एक्शन का मीनिंग बताता है. और जब साउंड से एक्शन पता लगता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? ओनोमेटोपेया. पोया. हाँ, टिंकल मतलब टिंकलिंग टू साउंड, टप टप की आवाज के लिए यहाँ पर टिंकल वर्ड यूज किया गया है. शिंगल्स, शिंगल्स रेफर टू जो वुडन टाइल्स होती है छत में, जो टाइल्स लगाई जाती है ना, यहाँ उसकी लकड़ी की छत है तो जो टाइल्स है लकड़ी की उस पर बारिश पड़ रही है और उसकी आवाज आ रही है. हैज एन इको इन द हार्ट, वगैरह बारिश वहां पड़ रही है लेकिन मेरे दिल में भी कुछ उसकी बूंज हो रही है. क्यों? एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बीम स्टार्ट. थाउजेंड मतलब हजारों. ड्रीमी फैंसीज मतलब मुझे सपने आने लगते हैं, इमेजिनेशन आने लगती है, याद आने लगती है. हाँ, बिजी बीइंग स्टार्ट में बिजी हो जाते हैं, मतलब मुझे सपने आने शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं. कैसे सपने? मतलब वो सोचने लगता है, जगा हुआ है वो सो नहीं रहा है, सपना उसे नींद में नहीं आ रहा. एक्चुअली ही इज स्टार्टेड रिमेम्बरिंग, उसे याद आ रहा है. क्या याद आ रहा है? वीव एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस. थाउजेंड हजारों रिकलेक्शन मतलब मेमोरीज, बहुत सारी मेमोरीज साथ में आ गई. बारिश पड़ी तो मुझे याद आने लगी. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. वीव मतलब बुनना, वूफ मतलब धागा, थ्रेड भी धागा ही होता है. तो मतलब याद जो है ना, यादें आके अपने अपने आप को मेरे सामने, मेरे मन में वो एक तरह से जाल सा बुनने लगती है, कुछ बुनने लगती है. वो यादें मुझे दोबारा से आने लगती किस चीज़ की, अब वो आपको नेक्स्ट स्टेज में पता लगेगा. अपनी उसे मदर की याद आती है. एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. कह रहा कि मुझे कुछ याद आ रहा है और मैं क्या सुन रहा हूँ कि बारिश पड़ रही है. रूफ मतलब कहाँ पर? रूफ का क्या बताया था? अच्छा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. मैंने बताया था ना उसे मम्मी की याद आती है, तो वो ही आ गया मेरी मेमोरी में, मेरी याद में मेरी मम्मी आती है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन. अगॉन मतलब बाईगॉन, जो चले गए साल. वो साल जब मदर थी वो क्या करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? एलिट्रेशन है ना. डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मतलब सब मम्मियां अपने बच्चों को डार्लिंग ही समझते हैं. डार्लिंग का मतलब प्यारा, स्वीट है ना. ड्रीमर्स कि मेरा बच्चा भी सोया हुआ है, सपने देख रहा है, सोने दो, सुबह तक सोने देती है उसे, है ना. एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. डॉन कहते हैं मॉर्निंग टाइम को. एयर का मतलब एयर शॉर्ट फॉर्मिंग ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, बिफोर को कहते हैं. हाँ, जब तक कि डॉन नहीं हो जाता, सुबह नहीं हो जाती, मम्मी उसको सोने देती है. वो लाड़ करती थी, बहुत प्यार करती थी अपने बच्चे को. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. और जब सुबह हो गई, फॉन्ड मतलब फुल ऑफ लव, मम्मी आके उसे प्यार से देखती थी, कहता है कि ओ आई डू रिमेम्बर दैट. वो मोमेंट मुझे फिर से याद आ रहा, अपनी मदर की याद आ रही है उसको. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. लिस्ट शॉर्ट फॉर्म है लिसन की. लिसन मतलब सुनना. हाँ, कि मैं जब इस रिफ्रेन को, रिफ्रेन मतलब कोई आवाज़ बार बार रिपीट होती है, कोई बात बार बार रिपीट होती है, उसे इंग्लिश में रिफ्रेन कहते हैं. तो वॉट इज द रिफ्रेन हियर? जो साउंड ऑफ फॉलिंग रेन है ना, वो रिफ्रेन है, क्योंकि बार बार आवाज़ उसे आ रही है. तो कह रहा जब मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ तो मुझे मेरी मम्मी याद आती है. विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स. आवाज़ कहाँ से आ रही है? अपॉन द शिंगल. शिंगल्स मतलब अभी बताया था मैंने आपको, पहले भी आया था, छत पे जो ब्रेक्स हैं, जो वुडन टाइल्स है ना, लकड़ी की टाइल्स है, लकड़ी की छत है, उस पर जो बारिश पड़ रही है, जब टप टप आवाज़ आ रही है, तो मुझे मेरी मम्मी याद आती है. By the pattern of the rain. Pattern is again the word for falling raindrops. हाँ, इसमें आप word meanings करेंगे आज. आज इतने करेंगे.